हेलो एवरीवन, तो एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। चलिए ठीक है, साथ ही हम लोग शुरू करेंगे। बिशु पांडे करके कह रहे हैं, सर अब पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि 2022 में मैंने फॉर्म भरा ही नहीं और अब एज 40 प्लस है। अच्छा देखिए, ऐसा है, जब तक आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण ना आ जाए तब तक आप लोग ये मत मानिए कि 40 प्लस ही योग्यता ली जाएगी। थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, जल्द से जल्द आपको सूचना मिल जाएगी। बाकी अब जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, देख ही रहे हम लोग। वंदिता जी का आज बर्थडे है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई आपको। हैप्पी बर्थडे, खुश रहिए, अध्यापक बन जाइए, उन्नति करते रहिए, वृक्ष लगाइए। हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको। तो साथियों, 2016 का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसके 25 सवाल हमने किए थे इससे पहले वाली क्लास में, जो परसों हुई थी। कल क्लास आप लोगों की नहीं हुई थी, ठीक है ना। उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो आपको क्वेश्चन नंबर 26 दिख रहा है, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? अकबर पद्मश्री, राम कुमार, सुधीर पटवर्धन या गणेश पाई? मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? सही जवाब क्या हो जाएगा? सुधीर पटवर्धन। क्या हो जाएगा? सुधीर पटवर्धन। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, सुधीर पटवर्धन। नीलिमा शेख की कलाकृतियां इनसे प्रभावित हैं। नीलिमा शेख की कलाकृतियां इनसे प्रभावित हैं, मुगल लघु चित्र से, जापानी वुडकट से, पाश्चात्य आधुनिकता से या ऊपर सभी से? नीलिमा शेख की कलाकृतियां इनसे प्रभावित हैं। नीलिमा शेख की कलाकृतियां इनसे प्रभावित हैं। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो नीलिमा शेख के जो सीख है मुगल लघु चित्र से भी है, जापानी वुडकट से भी है, पाश्चात आधुनिकता से भी है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक,
ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है, किसकी? जी आर संतोष की, रणबीर सिंह बिष्ट की, पारितोष सेन की, या लालू प्रसाद सौ की? ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है, जी आर संतोष, रणबीर सिंह बिष्ट, पारितोष सेन या लालू प्रसाद सौ? फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसका है? रणबीर सिंह बिष्ट का है। किसका है? रणबीर सिंह बिष्ट का है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, रणबीर सिंह बिष्ट। चल आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा यहाँ से हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा यहाँ से हैं, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से, केरला से या गोवा से? प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा कहाँ से हैं? तो प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा कहाँ से हैं? मंजीत बावा का जन्म हुआ था पंजाब में, ठीक है ना? कहाँ पर? पंजाब में। ये पंजाब के रहने वाले हैं। मंजीत बावा कहाँ के? पंजाब के रहने वाले हैं। चल आगे बढ़ेंगे। रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? जली हुई सियना, भारतीय लाल, जला हुआ भूरा रंग या भारतीय पीला? जली हुई, सॉरी, रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? बताइए, जली हुई सियना, भारतीय लाल, जला हुआ भूरा रंग या भारतीय पीला? तो रेड ऑक्साइड किससे मेल खाता है साथियों? रेड ऑक्साइड मेल खाता है भारतीय लाल से। किससे? भारतीय लाल से। रेड ऑक्साइड मेल खाता है भारतीय लाल से, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित हैं। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित हैं मुगल शैली से, चोलमंडल से, बंगाल शैली से या पहाड़ी शैली से? अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित हैं। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित हैं। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित हैं। अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट भी कहा जाता है। क्या? रंगों का सम्राट कहा जाता है। अब्दुल रहमान चुगताई ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? बंगाल स्कूल से, ठीक है ना? किससे? बंगाल स्कूल में इन्होंने वास शैली में प्रारंभिक कला शिक्षा प्राप्त किया था। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, बंगाल शैली, ठीक है ना? बंगाल शैली के प्रणेता कौन है? अवनी बाबू। बंगाल शैली के प्रणेता कौन है? अवनी बाबू, यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ेंगे। अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बांड के रूप में स्वयं का चित्र बनाने वाले कलाकार हैं। टीबी संतोष, अंजू डोडिया, शिबू नटेशन या अतुल डोडिया?
अपने दो चहेते कलाकार डेविड हाकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बांड के रूप में स्वयं का चित्र बनाने वाले कलाकार हैं। बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? अतुल डोडिया। कौन? अतुल डोडिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अतुल डोडिया। स्टेचू ऑफ यूनिटी इनकी कलाकृति है, स्टेचू ऑफ यूनिटी इनकी कलाकृति है। राम सुतार, लक्ष्मा गौड़, कृष्ण खन्ना या एन रिमशन। स्टेचू ऑफ यूनिटी इनकी कलाकृति है। हाँ, तो स्टेचू ऑफ यूनिटी क्या है? ये सरदार पटेल की मूर्ति है। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। कहाँ पर स्थित है ये? गुजरात में है, गुजरात का नर्मदा जिला, नर्मदा जिला में। ठीक है ना, 182 मीटर ऊंची जो है ये मूर्ति है, 182 मीटर ऊंची मूर्ति है। और इसके वास्तुकार कौन है? राम बी सुतार। ठीक है ना, राम बी सुतार। आगे बढ़ेंगे। मुंबई स्थित उस कलाकार का, उसे नहीं, उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। समीर मंडल, दीपेश घोष, मृणाली मुखर्जी या अमित पटेल। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। बताइए, जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाने वाले कलाकार कौन हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? समीर मंडल। कौन है? समीर मंडल है, ऑप्शन यहां पर ये सही हो जाएगा, समीर मंडल। आगे देखेंगे। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। गंगा अवतरण, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, वृक्ष प्रेमी या उल्हास नगर। बद्रीनाथ आर्या के चित्र का शीर्षक चुनिए, बद्रीनाथ आर्या के चित्र का शीर्षक चुनिए। बताइए, बद्रीनाथ आर्या के चित्र का शीर्षक चुनिए। बद्रीनाथ आर्या के चित्र का शीर्षक चुनिए। गंगा अवतरण। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? गंगा अवतरण। 1509 से लेकर के 1511 ईस्वी में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था? 1509 से 1511 ईस्वी के मध्य किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, रैफेल सेंजियो या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? अब ये जो टाइम पीरियड है किसका है साथियों? ये चरम पुनर्जागरण का टाइम पीरियड है। किसका? चरम पुनर्जागरण का ये टाइम पीरियड है, चरम पुनर्जागरण का टाइम पीरियड है साथियों। ठीक है ना, चरम पुनर्जागरण का टाइम पीरियड है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों? कि चरम पुनर्जागरण का ही कोई कलाकार इसमें सही होगा। तो ये तीनों कलाकार चरम पुनर्जागरण के हैं, लेकिन स्कूल ऑफ एथेंस किसने बनाया है? रैफेल सेंजियो ने। किसने? रैफेल सेंजियो ने।
रैफेल है, इसी को रफेल भी लिख दिया जाता है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा एम एफ हुसैन का चित्र है? कौन सा एम एफ हुसैन का चित्र है? सुजाता, मदर टेरेसा, ध्यानेश्वरी या बिंदु? कौन सा चित्र एम एफ हुसैन का है, मकबूल फिदा हुसैन का है? कौन सा चित्र मकबूल फिदा हुसैन का है? कौन सा चित्र एम एफ हुसैन का है? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा पेंटिंग किसकी है? मकबूल फिदा हुसैन की है, यानी कि एम एफ हुसैन की। आगे बढ़ेंगे। भित्ति चित्रकारी की तकनीकी जो ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है? फ्रेस्को, ग्वास, टेम्परा या वास? भित्ति चित्रकारी की तकनीकी जो ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है? फ्रेस्को, ग्वास, वास या टेम्परा? हाँ, तो साथियों भारत में सबसे पहले भित्ति चित्रकारी कहाँ पर देखने को मिलती है? जोगी मारा की गुफा में। सबसे पहले भित्ति चित्रकारी भारत में कहाँ पर देखने को मिलती है? जोगी मारा की गुफा में। सबसे अच्छी भित्ति चित्रकारी अजंता में देखने को मिलती है, लेकिन सबसे पहले जोगी मारा में। ठीक है ना? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? फ्रेस्को हो जाएगा। फ्रेस्को, ठीक है ना? फ्रेस्को। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम इसकी छवियां देख सकते हैं। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक यानी कि प्रागैतिहासिक क्षेत्र में इसकी छवि देख सकते हैं। घोड़ा और हाथी, हिरण और जेब्रा, बुद्धा, मुर्गी और कौवे। बताइए। मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक क्षेत्र में यह चित्र हम लोग देख सकते हैं। तो साथियों मिर्जापुर कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है और भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र मिर्जापुर क्षेत्र में ही खोजे गए। यहाँ पर लगभग 100 शैलाश्रय हैं जहाँ से चित्र प्राप्त होते हैं, शैलाश्रय। ठीक है ना? ये कहाँ पर है साथियों? ये विंध्याचल पर्वत में है ना। कहाँ पर है? विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल पर्वत के कैमूर श्रेणी में है। किसमें? कैमूर पर्वत श्रेणी में जो है स्थित है। कैमूर पर्वत श्रेणी में जो है ये स्थित है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी साथियों? अंग्रेजों ने किया था। किसने? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों का खोज किसने किया? अंग्रेजों ने किया। ठीक है ना? हाँ। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? घोड़ा और हाथी। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, घोड़ा और हाथी। घोड़ा और हाथी। आगे बढ़े। चलो, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं बुद्ध जातक कहानियां, भगवान शिव, सांप्रदायिक सभा या झरनों का चित्र? भीमबेटका गुफा के चित्र हैं बुद्ध जातक कहानी, भगवान शिव, सांप्रदायिक सभा या झरने का चित्र? साथियों भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका के चित्रों का खोज किसने किया था? डीएस वाकानकर ने किया था। भीमबेटका में सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र भीमबेटका में प्राप्त होते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में भी यहीं से प्राप्त होते हैं। सबसे अधिक चित्र भी यहीं ही प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? तो भगवान बुद्ध तो बहुत बाद में आए हैं ना। भगवान शिव की अवधारणा भी बहुत बाद में आई है।
झरने का है नहीं, सांप्रदायिक सभा का जो है एक चित्र प्राप्त होता है भीमबेटका से। सी सही हो जाएगा, सांप्रदायिक सभा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में या तमिलनाडु में? पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? बहुत ही सरल सवाल है। पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? बहुत ही सिंपल है, कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी की पहाड़ी कहां पर है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। चल, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा स्थित हैं भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या तिब्बत में? हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा कहाँ पर स्थित हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तिब्बत? हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? अब क्रॉस इंडिया में ही स्थित है ना, इंडिया में। भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए? भारत तो हो गया, ठीक है, भारत में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित बताइए? गुजरात राज्य में। कहां पर? गुजरात में। गुजरात में। जोगी मारा गुफा के चित्रों की अवधि है? जोगी मारा गुफा के चित्रों की अवधि है अजंता गुफाओं से पहले की, बाघ गुफाओं के बाद की, अजंता गुफाओं के बाद की या बुद्ध के बाद की? जोगी मारा गुफा के चित्रों की अवधि है, जोगी मारा गुफा के चित्रों की अवधि है। बताइए। तो जोगी मारा की गुफा ये जो चित्र हैं साथियों, ये मौर्य काल के, कब के हैं? मौर्य काल के हैं, ठीक है ना। तो अजंता गुफाओं के पहले का हो जाएगा, ठीक है ना, अजंता गुफाओं के पहले का हो जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अजंता गुफा चित्र से पहले जोगी मारा में चित्र प्राप्त होते हैं। बाघ की गुफाएं स्थित हैं, बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? बाघ की गुफाएं स्थित हैं, बाघ की गुफाएं स्थित हैं। बाघ की गुफाएं स्थित हैं। बाघ की गुफाएं कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। हाँ, मध्य प्रदेश। भारत माता के चित्रकार कौन है? भारत माता के चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, जामिनी राय या गगनेंद्रनाथ टैगोर? भारत माता का चित्र किसने बनाया है? भारत माता के चित्रकार कौन है? भारत माता के चित्रकार कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा?
अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर या अवनी बाबू। किस राज्य में इलोरा गुफाएं स्थित हैं? किस राज्य में इलोरा गुफाएं स्थित हैं? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? किस राज्य में इलोरा गुफाएं स्थित हैं? किस राज्य में इलोरा गुफाएं स्थित हैं? बहुत ही सरल है। एलोरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। एलोरा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। चल आगे बढ़ेंगे। बाघ गुफाओं की अवधि है, बाघ गुफाओं की अवधि है, शातवाहन राजवंश, विजयनगर, चोल राजवंश या बुद्ध राजवंश? बाघ गुफाओं की अवधि है, बाघ गुफाओं की अवधि है। बाघ गुफाओं की अवधि है। क्या हो जाएगा? शातवाहन राजवंश, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सातवाहन। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो बाघ गुफा है उसकी अवधि क्या है, सातवाहन राजवंश के समय की है, ठीक है। बादामी गुफा संख्या एक की छवियां हैं, बादामी गुफा संख्या एक की छवियां हैं। नटराज के रूप में भगवान शिव, बुद्ध सो रहे हैं, विष्णु के अवतार या जैन तीर्थंकर? बादामी गुफा संख्या एक की छवियां हैं। बादामी कहाँ है? कर्नाटक में है। निर्माण किसने कराया था? चालुक्य शासक मंगलेश ने। खोज किसने किया था? स्टेला क्रेमरिस ने। धर्म कौन कौन से देखने को मिलते हैं? शैव, वैष्णव और जैन धर्म, ठीक है ना, बुद्ध है ही नहीं। इसके अलावा वहां के चित्रों की आकृति किसने बनाई थी? जे एम अहिवासी ने बनाई थी। हाँ, तो नटराज के रूप में भगवान शिव, नटराज के रूप में भगवान शिव। चलिए आगे बढ़ेंगे। कालकाचार्य कथा और कल्प सूत्र को चित्रित किया गया है। बुद्ध लघु चित्र, जैन लघु चित्र, अजंता लघु चित्र या बाघ गुफा चित्रकला? हाँ, किस कला में देखने को मिलता है? कालकाचार्य कथा और कल्प सूत्र, कालकाचार्य कथा और कल्प सूत्र, इसका चित्रण बुद्ध कला में हुआ है, जैन कला में हुआ है, अजंता कला में हुआ है या बाघ गुफा के चित्रों में हुआ है? तो सिंपल है, ये दोनों जो ग्रंथ है इनका संबंध किससे है? जैन धर्म से है, तो जैन लघु चित्र के रूप में जो है ये प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जैन लघु चित्र। कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? भूरा, बैगनी, नीला, नारंगी? तो बिबग्योर का हिस्सा कौन सा रंग नहीं है ये आपको बताना है। बहुत ही सरल सवाल है, सबको इसका उत्तर पता होगा, बहुत ही आसान सवाल है। चल सही जवाब क्या हो जाएगा? भूरा। तो भूरा रंग जो है बिबग्योर में नहीं है, ठीक है ना, बिबग्योर में नहीं है। चल तो ये थे साथियों 25 सवाल। तो कुल मिलाकर के हमने 50 सवाल जो है 2016 का जो पेपर आया था टीजीटी का उसके कर लिए हैं, ठीक है ना। बाकी बचे हुए सवाल आगे की क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आज शाम को 5 बजे आप लोगों की पॉलिटी की क्लास होगी, तो आप सब उस क्लास में भी लाइव रहेंगे। सुबह 9:30 बजे एक और जीएस की क्लास हुई है, सामान्य विज्ञान की क्लास हुई है, तो आप लोग उस क्लास में भी लाइव रहा करिए। लाइव नहीं देख पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है ना। बाकी जीएस की और भी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होंगी। कला की क्लास दिन में 11 बजे होगी और रात में जो है 9 बजे होगी,
ठीक है ना। ठीक है साथियों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।